छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर से हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हुए हैं। इस दौरान उन्होंने रमन सिंह के आरोप पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के दूसरे पार्टी के विधायकों को उठा उठाकर ले गए। उस समय उनकी बोलती बंद क्यों थी? उस समय बोलना था ये हमारे गठबंधन के लोग हैं, उसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है? उनको तकलीफ इस बात की है कि खुला छोड़ देते हैं ताकि उनकी पार्टी के लोग खरीद फरोख्त कर सकें। वही सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र में 50 खोखा, झारखंड में 20-20 खोखा। रमन सिंह इसके बारे में बताएं। उठा उठा के ले गए, उस समय उसकी बोलती बंद क्यों थी? चुप क्यों थे? उस समय बोलना था ये हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं, उसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है? उनको तकलीफ ये है कि वहाँ खुला छोड़ देते, वो खरीद फरोख्त कर देते। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बात चल रही है 50 खोखा, यहाँ झारखंड में चल रहा है 20-20 खोखा, रमन सिंह इसके बारे में बताए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी।